हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के बीच के डिफरेंसेस को बताऊंगी कि रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले अगर आपको लगता होगा कि रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन सेम है, इनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो इस वीडियो के बाद आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन के डिफरेंस क्या क्या है। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन के बीच के डिफरेंसेस को। रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन दोनों ही स्टाफिंग के लिए किया जाता है। स्टाफिंग के लिए रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन की जाती है, क्लियर है, और दोनों ही प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना होता है। ओके, तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइंडिंग की जाती है, अट्रैक्ट किया जाता है क्वालिफाइड एप्लीकेंट को, किस चीज के लिए? फॉर द वैकेंट जॉब। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई एक जॉब खाली है, उस जॉब के लिए पूल ऑफ द कैंडिडेट में से पोटेंशियल कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और इस जॉब के लिए एप्लीकेशन फिलअप कीजिए, अप्लाई कीजिए, इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। मीन्स उनको इनविटेशन दी जाती है दोनों हाथों से कि आप खुशी खुशी आ सकते हैं, आपके लिए आपका स्वागत है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस एक बात को ध्यान में रखिए कि उस जॉब के लिए वही बंदे, किसी भी जॉब की वैकेंसी निकलती है उस जॉब के लिए वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इसलिए मैंने कहा पूल ऑफ कैंडिडेट में से पोटेंशियल कैंडिडेट, पूल ऑफ कैंडिडेट में से पोटेंशियल कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है। क्यों रिक्रूटमेंट में इनवाइट किया जाता है दोनों हाथ से कि आप आ सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शंस हो। अगर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तभी उनमें से बेस्ट चीज को निकाला जा सकता है, तभी उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर देसी भाषा में कहा जाए कि दूध में से मलाई को निकालना, यही काम होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है? कैंडिडेट को इनवाइट की जाती है कि आप आ सकते हैं इस जॉब के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो कि उसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट को चुन सके। अगर ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो क्या हो जाता है? कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी। ओके, सेलेक्शन, सेलेक्शन क्या है? It is a process of shortlisting candidate, assembling and their final hiring decision. Selection में shortlist किया जाता है candidate को, okay? और selection क्यों किया? Selection is a process. Selection भी एक process है जिसमें क्या किया जाता है? Candidate को shortlist की जाती है and their final hiring decision. क्यों? ताकि उनको hire किया जाए। जो भी recruitment query द्वारा candidate को invite किया गया है, उसमें से best candidate को, उसमें से best one को select किया जाता है। Selection में कैंडिडेट को इनवाइट नहीं की जाती है कि आप आ सकते हैं। सिलेक्शन में हर एक स्टेप पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, हर एक स्टेज पे, चाहे वो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन के स्टेज पे हो, या टेस्टिंग के स्टेज पे हो, या इंटरव्यू के स्टेज पे हो, या मेडिकल टेस्ट के स्टेज पे हो, हर एक स्टेज पर सिलेक्शन में कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। ओके, तो सिलेक्शन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट असेंबलिंग। जो कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के द्वारा अप्लाई किए हैं, मीन्स जो कैंडिडेट अप्लाई किए उस वैकेंट जॉब के लिए, उसमें से उन कैंडिडेट में से अच्छे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करके एक बेस्ट कैंडिडेट को हायर किया जाता है। ओके, सिलेक्शन समझ में आ गया, रिक्रूटमेंट समझ में आ गया। रिक्रूटमेंट में रिक्रूटर पहले जॉब की वैकेंसी फाइंड आउट करते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कितना जॉब खाली है, उस जॉब के लिए वो क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस जॉब के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप आइए इस जॉब पे अप्लाई कीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे कैंडिडेट हो, ऑप्शंस अवेलेबल हो, ताकि वो बेस्ट वन को सेलेक्ट कर सके, क्लियर है। लेकिन सिलेक्शन में इनवाइट नहीं किया जाता है सिलेक्शन में, बल्कि शॉर्ट लिस्ट की जाती है। हर एक स्टेज पर कैंडिडेट रिड्यूस होते चले जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट में खुले हाथों से उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आ सकते हैं, आपको आपका तहे दिलों से स्वागत है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है?
रिक्रूटमेंट इज द इनिशियल प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है? इनिशियल प्रोसेस है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट की जाती है, सबसे पहले कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है कि आप अप्लाई तो कीजिए जॉब के लिए। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट कैसे होगा? तो उनको अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाता है। जब भी जॉब की वैकेंसी निकलती है, जब भी किसी भी जॉब की वैकेंसी निकलती है, कितना पोस्ट खाली है, तो उस जॉब और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस बंदे का, ओके, ये सब लिखा होता है उसमें। तो रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है? एक प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस है, जिसमें बंदे को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए। अगर आपको लगता है कि इस जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन क्या है? इज अ फाइनल प्रोसेस। सिलेक्शन फाइनल प्रोसेस है, ये एक इनिशियल प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट के द्वारा जो भी कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है, सेलेक्ट ये उनको इनवाइट किया जाता है, तो उनमें से एक बेस्ट कैंडिडेट को हायर किया जाता है। मीन सिलेक्शन एक फाइनल डिसीजन है कि इस बंदे को फाइनली इस जॉब के लिए हायर कर लिया जाए, ओके? टाइम, अब रिक्रूटमेंट कैसे कब स्टार्ट होता है, उसका टाइम कब है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग कब, रिक्रूटमेंट खत्म कहाँ होता है, ओके? तो इट बिगिन व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर सॉर्ट एंड एंड व्हेन देयर एप्लीकेशन आर रिसीव्ड। रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होता है? जब जॉब की वैकेंसी पता चल जाती है कि कितना जॉब खाली है। जब अगर ऑर्गेनाइजेशन को, रिक्रूटर को पता ही नहीं होगा, रिक्रूटर जो रिक्रूटमेंट कर रहा है उसको पता ही नहीं होगा कि वैकेंट कितना जॉब है, जॉब कितना खाली है। अगर उसे पता ही नहीं होगा तो कैसे लोगों को बोलेगा इतना जॉब खाली है आप आइए? उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो रिक्रूटमेंट कैसे कब स्टार्ट होता है? जब वैकेंसी पता चल जाती है और उस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, देयर एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, ओके? सिलेक्शन इट बिगिन आफ्टर द एप्लीकेशन रिसीव्ड। जब कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जब जिस वक्त कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वहां से सिलेक्शन स्टार्ट होता है, एंड खत्म कहां होता है? हायरिंग डिसीजन आर मेड। जब कैंडिडेट को हायर कर लिया जाता है वहां सिलेक्शन खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? टाइम क्या है रिक्रूटमेंट का? व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर शॉर्ट, जब वैकेंसी पता चल जाती है और उस वैकेंसी के लिए, उस जॉब के लिए जब एप्लीकेशन आ जाते हैं, ओके? वैकेंसी आइडेंटिफाई, वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना, उस वैकेंसी को, वैकेंसी के लिए जब एप्लीकेशन आ जाते हैं तो वहां रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है, ओके? और सिलेक्शन कहां से स्टार्ट हो जाता है? जब एप्लीकेशन मिल गया, जब एप्लीकेशन रिसीव हो गया, वहां से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और खत्म कहां पे होता है? जब हायरिंग डिसीजन हो जाता है, मीन जब कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है उस वैकेंट जॉब के लिए। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर है, मैं बहुत फास्ट नहीं गई हूं, ओके? अगर आपको लगता है कि फास्ट है तो प्लीज कमेंट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो तो है नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है? द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव अप्रोच। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें खुले हाथों से कैंडिडेट को अट्रैक्ट, उनको इन्वाइट किया जाता है। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है, इनमें इन्विटेशन दी जाती है कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल अपने आप को समझते हैं, एलिजिबल अपने आप को समझते हैं, वो आ सकते हैं इस फॉर्म, इस जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके? लेकिन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज अ नेगेटिव अप्रोच। सिलेक्शन का प्रोसेस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सिलेक्शन के हर एक स्टेज पर कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। एप्लीकेशन जब मिलता है ना, उसी वक्त भी कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। जब रिज्यूमे आ जाता है, जब बंदे अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त भी कि कौन सा बंदा इस एलिजिबिलिटी, मीन्स उस जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहा है, उस एप्लीकेशन वक्त भी बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। फिर टेस्ट होता है, उस वक्त भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, उस वक्त भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो हर एक स्टेप पर कैंडिडेट को रिड्यूस किया जाता है। मान लीजिए 100 आदमी एक जॉब के लिए, एक वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 100, और चुनना है एक ही बंदे को, तो ये 100 लास्टली एक हो जाएगा, ओके? और ये बहुत ही टफ हो जाता है जब आपके पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से बेस्ट को चूज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी टफ होता है और कैंडिडेट के लिए भी टफ होता है। क्लियर है? तो इसलिए जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो नेगेटिव है, क्योंकि हर एक स्टेप पर कैंडिडेट रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है? प्रोसेस इट इज अ सिंपल प्रोसेस। रिक्रूटमेंट सिंपल प्रोसेस है, इसमें
आइडेंटिफाई किया जाता है वैकेंसी को, इसमें कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है और लास्टली जो एप्लीकेशन मिल जाता है उस वैकेंसी के लिए जब कैंडिडेट अप्लाई करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। ये कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, लेकिन सेलेक्शन क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जो उनका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाता है उस वक्त भी बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर उनका टेस्ट होता है उस वक्त भी, तो टेस्ट भी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर उनका इंटरव्यू होता है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरव्यू में बहुत समय लग जाता है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कम ऑन बाय, ऑन द बेसिस ऑफ कम और बाय, कम और बाय। तो सेलेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, द प्रोसेस इनवाइट द एप्लीकेंट बाय सेइंग कम। रिक्रूटमेंट में बोला जाता है कम, इस प्रोसेस में कैंडिडेट को कहा जाता है आप आ सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, ओके। लेकिन सेलेक्शन में द प्रोसेस टेस्ट बाय टू मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट, इस प्रोसेस में हर एक स्टेप पे बहुत सारे कैंडिडेट को बाय कहा जाता है, मीन्स उनको रिड्यूस किया जाता है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। क्लियर है, ये है रिक्रूटमेंट और ये रहा सेलेक्शन के बीच के डिफरेंसेस।